असलकम अज़ीज़ तलबा तालबात आज हम एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में ही अपनी गुफ्तू को जारी रखेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम्स किन किन एरियाज़ में एप्लीकेशनस जो हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स की वो डेवलप हुई हैं और उसके बाद मुख्तलफ़ शुबाजात में जो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए हैं उनका हम एक ब्रॉडर uh, सर्वे करेंगे आइए अब आप हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से एरियाज़ में हो सकती हैं और उसके बाद फिर हम उसकी थोड़ी सी मिसालें लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम्स जो प्रैक्टिकली डेवलप किए गए हैं मुख्तफ शोबाजात में उनका एक सर्वे करें जनरली एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं वो चंद कैटेगरीज़ हैं जिनमें हम एक्सपर्ट सिस्टम को कैटेगराइज कर सकते हैं uh, वो इंटरप्रटे इंटरप्रटेशन सिस्टम्स भी हो सकते हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम भी हो सकते हैं प्रडिक्शन सिस्टम्स भी हो सकते हैं प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स भी हो सकते हैं तो आइए हम इसको देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरप्रटे जो एप्लीकेशन है एक्सपर्ट सिस्टम्स की दैट इज़ यूज़ फॉर इन्फरिंग सिचुएशन डिस्क्रिप्शन फ्राम देंसर डेटा अगर किसी मशीन में या किसी सिस्टम में सेंसर से डेटा आ रहा है तो एक्सपर्ट सिस्टम उस डेटा को अनालिस करते हैं इंटरप्रेट कर सकते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद वॉट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड उसको रिकमेंड कर सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स प्रोडिक्शन के एरिया में भी इस्तेमाल किए जाते हैं इन लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए गिवन सिचुएशन बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम जो हैं वो डायग्नोस्टिक्स के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं डेवलप किए गए हैं फॉर इन्फरिंग सिस्टम मॉल फंक्शनिंग फ्राम ऑब्जर्वेबल्स अब इस तरह से है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बेसिकली डेटा कहीं से लेता है इंफॉर्मेशन कहीं से लेता है ख़ास तौर पर आप uh, की फैक्ट्रीज़ में मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोसेस इंडस्ट्री में उसमें सेंसर से डेटा आता है जहाँ जहाँ से भी डेटा आप रिसीव कर सकते हैं वो डेटा आता है उसके बाद उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और लट से अगर कहीं माल फंक्शन हो तो उस डेटे को अनालिस करने के बाद डायग्नोज करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे था सिमिलरली एक्सपर्ट सिस्टम्स हैव 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 बीन डिजाइन बीन प्रिपेयर्ड टू डिज़ाइन फॉर एग्जांपल कॉन्फिगरिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर कंस्ट्रेंट्स लट से मैं इसकी एक आम uh, फॉर्म मिसाल आपको देता हूँ कि आपने सर्किट बोर्ड पर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है और आपने नंबर ऑफ़ सर्कट जो है वहाँ से गुजारने हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम्स इस किस्म के बनाए गए हैं जो कि आपको सर्किट uh, बोर्ड जो है उनके डिज़ाइन में भी हेल्प कर सकते हैं उसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो प्लानिंग यानी डिजाइनिंग एक्शन जो है इसमें भी बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो बनाए गए हैं मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स अब ये है कि आप का लट से प्लांट चल रहा है प्रोसेस uh, प्लांट चल रहा है और वहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाई करते हैं तो दे कीप ऑन मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ़ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम और जहाँ विद विदन जो आपकी रेंज है किसी भी इक्विपमेंट की परफॉर्म करने की उस रेंज से जैसे ही वो uh, निकलता है तो मॉनिटरिंग एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो उसी वक्त विल रिंग द बेल कि जी यहाँ पे हमने अपनी जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं उससे हम बाहर निकल गए हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स ख़ास तौर पर मैनुफेक्चरिंग के एरिया में या प्रोसेस कंट्रोल के एरिया में मोनिटरिंग पर्पजे के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं डीबगिंग अब बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो डिबगिंग के लिए भी बनाए गए हैं रिपेयर के लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिंग प्लान टू टू एडमिनिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब रेमिडीज़ और इसी तरह से बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो कंट्रोल गवर्निंग ओवरऑल सिस्टम बिहेवियर जो है इसके लिए भी बनाए गए हैं यह हमने सात आठ वेरियस एरियाज़ जो हैं इनका जिक्र किया है कि एक्सपर्ट सिस्टम जनरली इंटरप्रटेशन में डायग्नोस्टिक में प्रडिक्शन में मॉनिटरिंग में प्लानिंग में कंट्रोल में आ, इस्तेमाल किए गए हैं हम चंद मिसालें चंद रूल्स की चंद मिसालें लेते हैं इन एरियाज में फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरप्रटेशन के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम है एस पी ई और उसमें एक रूल जो है वो आ, दिया गया है लेट्स लुक एट द रूल इफ द ट्रेसिंग पैटर्न इज एसमेट्रिक गैमा एंड द गैमा क्वांटिटी इज नॉर्मल कोरलेटेड विद एज देन द देशन ऑफ गैमा ग्लोबल इज विद नॉर्मल रेंज ये एक रूल है इंटरप्रटेशन के लिए कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है ट्रेसिंग पैटर्न आ रहा है आपके पास और गैमा क्वांटिटी आ रही है ये दो चीज़ें आ रही हैं उनको एनालाइज uh, करने के बाद इंटरप्रेट करने के बाद एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो देन द कन्सेंट्रेशन जो उसका कंक्लूजन है द कन्सेंट्रेशन ऑफ गैमोग्लोबन इज विद नॉर्मल रेंज ये एस पी ई से एक रूल uh, एस सच हमने रिप्रोड्यूस कर दिया है ये प्रोडिक्शन के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम जो बनाया गया है प्लांट नाम का अगला वाला रूल जो है ये हमने उससे लिया है आइए देखते हैं इफ द ब्लैक कॉटवर्म वर्सेस लीफ स्टेज टेबल हैज़ बिन कंप्यूटेड अब सबसे पहली चीज तो यह है कि इफ में ये चीज जो है आपने ये देखना एक्सपर्ट सिस्टम में यह देखना है कि क्या ब्लैक कॉटवर्म वर्सेस लीफ स्टेज टेबल जो है वो कंप्यूट हो गया है या नहीं हो गया अगर तो हो गया है वेदर देर आर मोर देन फोर वीड्स पर फुट ऑफ रो ज नोन ये चीज़ जो है ये आपके पास फैक्ट्स में अगर मौजूद है द कॉर्न वेराइटी इज नोन ये चीज़ भी आपके पास फैक्ट्स में मौजूद है दॉयल मास्टर इन द फील्ड इज ऑल्सो नोन अगर ये चार चीज़ें जो हैं ये अप्लाई करती हैं इफ जो ये ये सेट्सफाई होती हैं ये चार सिचुएशन अगर सेट्सफाई होती हैं देन कंप्यूट द कॉर्न यील्ड विद आउट इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट अब इसकी रिकमेंडेशन आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि अगर ये चार चीज़ें जो हैं ये सेट्सफाई होती हैं इस ये रूल ये कहना चाह रहा है कि अगर ये चार चीज़ें सेट्सफाई होती हैं इफ पोर्शन में तो देन रिकमेंडेड एक्शन क्या है कंप्यूट द कॉर्न यील्ड विदाउट इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट एंड असाइन इट द वेरिएबल यील्ड वन नंबर वन क्या करो उसे कि उसे विदाउट इंसेक्टर इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट के जो यील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला है उससे उसकी यील्ड कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उसे यील्ड वन जो है वो वेरिएबल असाइन कर दो इसी तरह से एक और हमने रूल जो है वो लिया है माइसिन से माइसिन एक बहुत ही अहम और वेरी वेरी वेल कोटेड वेल रिप्रजेंटेड एक्सपर्ट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम की आई वुड से लिटरेचर में तो वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो oh माइसिन उसके बाद उसमें से हमने ये एक रूल uh, लिया है ये डायग्नोस्टिक के लिए है बेसिकली इफ स्टेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रैम्पोज पहली जो कंडीशन है वो ये है एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कोकोकस ग्रोथ कन्फर्मेशन इज ऑर्गेनिज्म इज चेन ग्रोथ कॉन्फर्मेशन ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इज चेन दैन अब अगर ये तीन कंडीशन जो हैं ये सेट्सफाई हैं इफ पोर्शन की तो फिर कंक्लूजन क्या है देर इज ए सजेस्टिव एविडेंस अब फिर सजेस्टिव एविडेंस जो है वो हंड्रेड परसेंट नहीं है जीरो पॉइंट सेवन कोई कहता है देर इज ए सजेस्टिव एविडेंस दैट द आइडेंटिटी ऑफ दर्गेनिजम स्ट्रेप्ट्रोकोकस फ्रैंकली uh, मुझे नहीं पता ये स्टेपटोकोकस क्या है या ये रूल जो है ये मेडिकल uh, के डिसिप्लिन में किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मैंने वो रूल सेलेक्ट किए हैं जो रेलेटिवली ईजी रूल्स हैं आप uh, इसी मायसिन में या एस में या दूसरे uh, जिन सिस्टम्स का मैंने ज़िक्र किया उनमें इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं Uh, तो इससे आपको थोड़ा सा लट से कि अगर इस किस्म के इफ़ देर आर थाउजेंड रूल्स इन द रूल बेस और उन थाउजेंड रूल्स को इवैल्यूएट करने के बाद थाउजेंड uh, रूल्स में से कौन से रूल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं ये प्रेमिस है एक्सपर्ट सिस्टम का एक्सपर्ट सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो आपकी रूल बेस में अगर एक हज़ार रूल हैं तो उन एक हज़ार रूल में से सबको uh, वो इवेल्युएट करेगा नॉट नेसेसरली उसके लिए हो सकता है कि आप जो आपका प्रॉब्लम एट हैंड है उस प्रॉब्लम के लिए 10, 12, 15, 20, 50 रूल्स जो हैं वो उनके उनसे चेन करके उनको जिस तरह से एग्जैक्टली जिस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो रेलिवेंट रूल्स को ही अप्लाई करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं तो उसके बाद आपका जो अगला सवाल जो हो जाता है ये बच्चों का लतीफ़ा है कि ये आपके कितने बच्चे हैं अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका जो दूसरा सवाल है वो इेलिवेंट हो जाता है इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम में अगर आपके पास हज़ार रूल हैं तो आपने जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो सिर्फ वही वाले रूल जो है वो अप्लाई करेगा जो कि रेलिवेंट हैं इनरेलीवेंट रूल जो जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ रूल जो रेलिवेंट नहीं है एक्सपर्ट सिस्टम उन्हें अप्लाई नहीं करेगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो करता है एक और रूल प्लानिंग फ्राम टी ए टी आर एक एक्सपर्ट सिस्टम एक मिलिट्री Uh, की एप्लीकेशन थी उससे ये रूल मैंने लिया इफ द एयरफील्ड डज नॉट हैव एक्सपोज्ड एयरक्राफ्ट्स पहली चीज तो क्या है कि इफ एयरफील्ड डज नॉट हैव एक्सपोज्ड एयरक्राफ्ट्स द ओपन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन द ओपन इज जीरो पॉइंट इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एट द एयरफीड अब डेटा ये इफ पोर्शन जो है उसमें दो चीजें हैं नंबर वन के एयरफील्ड में चंद एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक्सपोज में भी हैं अब आप उससे कैलकुलेट करते हैं कि अगर पॉइंट टू फाइव पर्स इन टू नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं वो ओपन में हैं देन यू कैन कंक्लूड लेट एक्सलेंट बी द रेटिंग फॉर एयरक्राफ्ट एट द एयरफील्ड के अगर आपके एयरफील्ड्स uh, पे कुछ जहाज़ जो हैं वो ओपन में हैं और ओपन में जो है उनकी तादाद जो है दैट इज़ 0.25 टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेन्स एट द एयरफील्ड तो आप उसको रेटिंग जो है उस uh, एयरक्राफ्ट की उस एयरफील्ड पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी रेटिंग जो है आप उसे एक्सेलेंट डिक्लेयर कर सकते हैं तो ये चंद मिसालें थीं जो मैंने आपके सामने रखी फ्रॉम दी ये ख़ास तौर पर ये रूल्स जो हैं आई ड्रू दीज रूल्स फ्राम द एक्चुअल एक्सपर्ट सिस्टम्स तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम जो हैं वो किन एरियाज़ में बनाए जा चुके हैं या बनाए जा रहे हैं तो उसके अलावा हम इसी गुफ्त को अगर आ, अगर आगे बढ़ाएँ तो एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ डिसिप्लिन के हवाले से सब्जेक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कौन से डिसिप्लिन हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन में एक्सपर्ट सिस्टम जो, है, वो design जो हैं वो डिज़ाइन या डेवलप किए गए हैं एंड आई वुड से जनरली वो तकरीब तकरीब आप के अमली ज़िंदगी के जो मेजर शोभाजात हैं उनके लिए एक्सपर्ट सिस्टम जो हैं वो डिज़ाइन या डेवलप किए गए हैं जैसा कि आप आगे मिसालों में देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एलक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जियोलॉजी लॉ मैनुफेक्चरिंग मेडिसन मैथमेटिक्स मिलिट्री साइंस प्रोसेस कंट्रोल फ़िज़िक्स स्पेस साइंस ये सिर्फ चंद मिसालें हैं वरना इसका मतलब ये नहीं है कि आर्कियोलॉजी में एक्सपर्ट सिस्टम्स नहीं हैं या आ, या स्पेस साइंस में एक्सपर्ट सिस्टम्स नहीं हैं या हिस्ट्री में एक्सपर्ट सिस्टम्स नहीं हैं या लैंग्वेज़ के लिए एक्सपर्ट सिस्टम्स नहीं हैं वर्चुअली जितने भी प्रैक्टिकल शुभाजत हैं उनमें किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किए गए हैं आइए अब हम देखते हैं जस्ट एक सर्वे ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम चंद एक्सपर्ट सिस्टम जो कि मुख्तु शोभा जात में डेवेल्प किए गए हैं उनके सिर्फ हम एक, एक नज़र उन पर डालेंगे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में ये क्रिस्टल्स क्रिस्कल क्रिस्कलिस जो है ये एक एक्सपर्ट सिस्टम ये बहुत मशहूर हुआ था जब ये डेवलप किया गया था एंड काम क्या करता है ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है इट इन्फर्स थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप इसी तरह से यह बेसिकलीफेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है कंपाउंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फ्राम मास स्पेक्ट्रल एंड न्यूक्लियर रिस्पॉन्स डेटा एक और एक्सपर्ट सिस्टम केमिस्ट्री में डिवेलप हुआ था टी क्यू एम एस ट्यून जो है इट फाइन ट्यून द्रिपल क्वाड रोपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर टी क्यू एम एस बाई इंटरप्रेटिंग टी क्यू एम एस सिग्नल डेटा अब ये फ्रैंकली ये टर्मिनोलॉजी जो है ये टर्मिनोलॉजी चूँकि केमिस्ट्री की है एंड आई एम नॉट ए केमिस्ट तो एंड यू आर नॉट ए केमिस्ट यू डोट अंडरस्टैंड ऑल दैट बेसिकली आपको ये एक फील देने के लिए है कि एक्सपर्ट सिस्टम किस किस्म की एप्लीकेशन और किस किस्म की नेरो डोमेन में डिवेल्प किए जा सकते हैं क्लोनर एक और एक्सपर्ट सिस्टम केमिस्ट्री में था जो कि डिजाइन और प्लानिंग के एरिया में ये तीन वाले जो हैं मोलजन सेक्स और क्लोनर जो है ये डेवलप किए गए थे क्लोनर हेल्प्स द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डिजाइन एंड क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल्स मोलजन हेल्प्स द मॉलिकुलर जेनेटिस्ट प्लान जीन क्लोनिंग एक्सपेरमेंट सेक्स हेल्प्स सिंथिसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिबगिंग रिपेयर ये भी केमिस्ट्री के एरिया है स्पेक्स हेल्प साइंटिस्ट प्लान कॉम्प्लेक्स लेबोर्टरी एक्सपेरिमेंट्स इन मॉलिकोल बायोलॉजी सिंध कैम थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस और गाइडेंस इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में पी ट्रेंस जो है जब ये बनाया गया तो पी ट्रेंस की बहुत बल्ले बल्ले हुई थी और ये बहुत मशहूर था जब ये सिस्टम डेवलप किया गया इट हेल्प्स मैनेज मैनुफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्थ कंप्यूटर सिस्टम्स ये प्रोडिक्शन इसका मेन एरिया था डायग्नोस्टिक के लिए कंप्यूटर साइंस में काफ़ी एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए बी डी एस इज़ एन एग्जाम्पल विच हेल्प्स लोकेट फॉल्टी मॉड्यूल्स इन ए लार्ज सिग्नल स्विचिंग नेटवर्क डार्ट एक एक्सपर्ट सिस्टम था विच हेल्प्स डायग्नोसिस फॉल्ट एंड कम्प्यूटर हार्डवेयर सिस्टम्स इसी तरह से आई डी टी ये डायग्नोस्टिक में uh, uh, के एरिया में एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए डिज़ाइन में एक्सकॉन जो है ये वैक्स सिस्टम किसी ज़माने में बहुत मशहूर होता था और वैक्स सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एक्सकॉन एक एक्सपर्ट सिस्टम बना बनाया गया था एम वी एस हेल्प मोनीटर एंड कंट्रोल दी एम वी एस ऑपरेटिंग सिस्टम ये एम वी एस एक यूनो you know, एक बड़ा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम था आज कल अगरचे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो उसकी मोनिटरिंग और कंट्रोल के लिए आ, ये बनाया गया था वी ट्रांस का जिक्र कर चुके हम आ, टिम ट्यूनर जो है ये हेल्प्स वैक्स सिस्टम की ट्यूनिंग के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था एंड सो ऑन इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एक आ, ऐसा एरिया है जिसके में बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं वो बनाए गए थे एट दैट टाइम एट सम टाइम एस जो है एक सिस्टम था व्हिच वाज मेड फॉर द डायग्नोसिस फॉल्ट इन टेलीफोन नेटवर्क्स इनएड जो है ये एक्सकेलोस्कोप्स की आ, जो फॉल्ट हैं उनको डायग्नोज करने के लिए बनाया गया था एनडीएस हेल्प डायग्नोज फॉल्ट इन नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क यूरिस्को हेल्प्स डिजाइन थ्री डी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पॉलेडि डिजाइन एंड टेस्ट न्यू वी एल एस आई सर्किट्स रीडिजाइन डिजाइन हेल्प री डिजिटल सर्किट्स टू मीट न्यू स्पेसिफिकेशन टेलिब एक सिस्टम था सिंथसाइज इंटेग्रेटेड सर्किट लेआउट फॉर एनमो सेल्स इसी तरह से कैड हेल्प एक सिस्टम था विच वॉज डिजाइन विद टीच यूज़ ऑफ कैड सिस्टम फॉर डिजिटल के लिए एक सिस्टम था विच टीच फॉल डायग्नोस्टिक्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। मैंने जिक्र किया कि केमिस्ट्री में कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके लिए भी बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम जो हैं वो डेवलप किए गए रिएक्टर एक सिस्टम है हेल्प्स ऑपरेट्स डायग्नोस एंड ट्रीट न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट्स डेल्टा एक सिस्टम था विच हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड करेक्ट माल फंक्शन इन लोकोमोटिव्स। सेक हेल्प्स हेल्प फाइंड एनालिसिस स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रॉब्लम्स रिएक्टर का हम जिक्र कर चुके हैं स्टीमर एक एक्सपर्ट सिस्टम है विच टीच ऑपरेशन ऑफ ए स्टीम पर प्लांट जियोलॉजी में एलस विच हेल्प्स जियोलॉजिस्ट यूज इन लैंड ए कॉम्प्लेक्स वेल लॉग एनालिसिस प्रोग्राम डिप मीटर एडवाइजर हेल्प जियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट डिप मीटर लॉग्स सेकॉन जिसका हम जिक्र किया ड्रिलिंग एडवाइजर जियोलॉजी में जियोलॉजी में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Uh, जो मैंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन uh, देखी है एक्सपर्ट सिस्टम्स की जियोलॉजी एंड मिलिट्री साइंस ये दो ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट सिस्टम जो है उनकी डेवलपमेंट हुई है ड्रिलिंग एडवाइजर जो है हेल्प डायग्नोज एंड क्रैक्ट ऑयल रिग ड्रिल स्टिकिंग प्रॉब्लम्स हाइड्रो हेल्प हाइड्रोलॉजिस्ट यूज़ एच एस पी एफ ए वाटर अवेलेबल सिमुलेशन प्रोग्राम मड Helps diagnose and treat problems related to drilling fluids used in drilling operations. Prospector. Prospector is uh, a uh, well documented, well quoted expert system, hai, which helps geologists evaluate the mineral potential of a region. Medicine. Puff bhi ek bahut, uh, expert system, uh, gaya hai, which di uh, diagnoses lung disease by interpreting data from pulmonary function tests. IN-8 ka humne Diagnoses inflammatory conditions by interpreting, scanning densiometer data. NDS, monitors intensive care unit patients by interpreting data from ICU test equipment. ABLE, AI COG. Uh, ABLE helps diagnose acid-base and electronic electrolyte disorders. COG helps diagnose diseases of Homeo, I can't read frankly this uh, this particular term, medical term. Rhyme helps diagnose connective tissue disease of clinical. Uh, again, there is a very lengthy medical term, and so. You are in medical science. Ana VM Blue Box CasNet, Glaucoma Mycin Oncocosin VM Attending. गोवाडोन वी एम ये आ, चंद मिसालें हैंपर्ट सिस्टम्स की मेडिकल के एरिया में मैंने पहले जिक्र किया जियालॉजी में बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम बड़ी एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम जियालोजी में मेडिसन में और मिलट्री साइंस में डेवेल्प किए गए थे मिलिट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल एस एसेप्टफॉर्म सिचुएशन असमेंट बाई इंटरप्रेटिंग इंटेलिजेंस सेंसर रिपोर्ट एस्टा हेल्प आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रडारिस्टम बाई एनाल रडार सिग्नल्स Assist in situation assessment by analyzing radio communications. Honeyball. This is a very well documented uh, expert system. Hai. SPECS detects and identifies ocean vessels by interpreting sonar sensor data. RTC classifies ships by interpreting radar images. INW helps predict when and where a major armed conflict will next occur. ACES performs the uh, cartographer's job of map labeling. नॉप्स हेल्प प्रडिक्टेन एंड वेयर ए मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्टिल नेक्स्ट अकड़ ततार इन मिसालों से एक्सपर्ट सिस्टम की इन जर्नल जो मैंने आपके सामने मुख्तलफ एरिया में रखे इनमें से एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है एक कंकलूजन जो है वो बहुत अहम है आपने देखा होगा कि ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये एक ख़ास नरो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम हम की हमने मिसालें दी ये एक खास और नैरो एरियाज में डिवेलप किए गए और मोस्टली दे आर साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड येट अनदर थिंग इन इन सब में एक चीज़ आप कामन देखेंगे वो एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमन uh, बी uh, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एरर्स का इस्तेमाल है वो ऐसी अब uh, सोनार डेटा आ रहा है उस डेटा को आपने स्क्रीन पे डेटा आ रहा है कंटिन्यूसली आ रहा है एक ह्यूमन एक्सपर्ट के लिए कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को मॉनिटर करना डिफ़िकल्ट तो एक्सपर्ट सिस्टम्स उन एरियाज में अप्लाई किए गए हैं जहाँ पे ह्यूमन वर्किंग कंडीशन आर एक्सट्रीमली टाइट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो ये जर्नली ये ये चीज़ मैं नहीं कह सकता कि सौ फीसद दुरुस्त है लेकिन जर्नली ये चीज़ जो है ये करेक्ट है तो इसके साथ ही हम हमारी आज की गुफ्तु जो है वो ख़त्म होती है आज हमने जिन चीज़ों पे डिस्कशन की वी डिस्कस द एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट एक्सपर्टीज़ सेल्फ नॉलेज सिंबॉलिक रीजनिंग एंड डेप्थ ये चार चीजें हमने डिस्कस की उसके बाद स्केलिंग प्रॉब्लम का हमने जिक्र किया कि टॉय प्रॉब्लम से जो हम नॉलेज अखज करते हैं उसको एज सच आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं कर सकते दिस इज ए डिफिकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन उसके बाद हमने ये देखा कि कैन एक्सपर्ट सिस्टम मेक मिस्टेक्स यस एक्सपर्ट सिस्टम देर इज़ ए चांस जिस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट से कोई गलती हो सकती है इसी तरह से आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उससे भी गलती का इम्कान है हा एवर जिस तरह से एक ह्यूमन एक्सपर्ट अपनी गलती से आ, सबक सीखता है लर्न करता है अपने आप को एजुकेट करता है इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो हैव द केपबिलिटी टू लर्न और उसके बाद हमने एक्सपर्ट सिस्टम के एप्लीकेशन एरियाज़ की बात की इंटरप्रटेशन है डायग्नोस्टिक है प्रडिक्शन है प्लानिंग uh, है डिज़ाइन है कंट्रोल है और फिर हमने देखा कि इंजीनियरिंग में मेडिसिन में जियोलॉजी में मिलिट्री साइंस में हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन हैं और हमने उसके बाद एक्सपर्ट उन एक्सपर्ट सिस्टम का जिक्र किया जो कि डिवेल्प किए गए हैं सक्सेसफुली डिवेल्प किए गए हैं और वो अप्लाई किए जा रहे हैं वेरियस एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह हाफिज़ Thank you